सो हाय गाइस, मेरा नाम मिरुमुनिक और आज हम दोस्तों बात करने वाले एफआईएफ प्रो लीग जो इतने गाइस वुमेन्स के दो मैचेस बचे हैं, उन मैचेस के बारे में बात करेंगे कि उसमें मैचेस कहां पे आप देख सकते हो, कितने बजे मैचेस होंगे, कौन से तारीख को मैचेस होंगे, इंडिया का क्या स्क्वाड है और मैं क्या देखना चाहता हूं इस मैचों से यार, मेरे क्या प्रेडिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर उसमें इस मैचेस की डेट्स की बात करूं दोस्तों, आपको यहाँ पे डेट्स अभी आपके सामने आ रहे ये दोस्तों मैचेस खेले जाएंगे 21 जून को खेला जाएगा और 22 जून को खेला जाएगा। अभी आप दोस्तों वीडियो 21 जून को देख रहे हो, मतलब दोस्तों और मैं ये पहले एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ यार। तो यार भाई, तो अगर आपको मैं डेट अगर मैं ये तो मैंने डेट्स हो गया, अगर मैं टाइम्स की बात करूँ दोस्तों, तो आपको दोस्तों मैच देखने मिलेगा रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आपको देखने मिलेगा। और दूसरे मैचेस इंडिया में खेले जाएंगे अपना, जब तो हॉलैंड अगेंस्ट हॉलैंड नेदरलैंड्स में खेला जाएगा, जो स्टॉन्ड्रम मैदान का मुझे नाम लिटरली याद नहीं यार, अभी यहाँ पे दोस्तों मैदान का नाम पढ़ सकते हो, जो मतलब जो अपना पिछला स्टेडियम में मैच हुआ था ना दोस्तों, जो अपना अर्जेंटीना के सामने हुआ था, उसी मैदान में दोस्तों मैचेस खेले जाएंगे अगेंस्ट यूएसए। रात को दोस्तों 8 बजे मैच होने वाला है। अगर तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग की बात करूं, ब्रॉडकास्टिंग मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट फर्स्ट पे देखने मिलेगा, या फिर देखो अभी आपको पता है दोस्तों, अभी आपको अभी मुझे बोल के फायदा नहीं है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, स्टार स्पोर्ट फर्स्ट या फिर स्टार स्पोर्ट सिलेक्ट टू दोस्तों, ये दो चैनल में से किसी भी एक पे आ सकता है, पर मोस्ट लाइकली दोस्तों आपको स्टार स्पोर्ट फर्स्ट पे ये वाले मैचेस दोस्तों देखने मिल जाएंगे। तो ये तो अपने दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग टाइम और डेट्स की बात हो गई। अगर उसमें दोनों टीम की बात करूं तो मेरे ख्याल से तो इंडिया की अब तक टीम को मैंने देखा, बहुत सारी रिसर्च की दोस्तों मैंने, आर्टिकल्स पढ़े, पर टीम मिली नहीं है, पर मेरे ख्याल से हमारी सेमी टीम हो गया, बिकॉज क्या चेंज करके फायदा नहीं, बिकॉज हमारे सारे प्लेयर वहां पर ही है, तो मैं मोस्टली दोस्तों हमारी वही टीम होगी यार, मतलब जो यूरोप का टूर होगा उसमें हमारी वही टीम होगी, जो अपने जो हमारा पिछला मैच खेला था वो आपको प्लेयर्स देखने मिलेंगे। और अगर दोस्तों यूएसए की टीम की बात करूं तो यूएसए की टीम ने दोस्तों 19 तारीख को मैच खेला था अगेंस्ट चाइना, 19 और 20 को मैचेस खेले था अगेंस्ट चाइना, तो उनकी दोस्तों सेमी टीम होने वाली है अभी दोस्तों, कोई यूएसए की टीम आपको यहाँ पे अभी दिख रही होगी। तो अगर मैं उस टीम से अगर रिसेंट अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ यार, तो जून महीने में उन्होंने 4 मैचेस खेले, 2 अगेंस्ट चाइना, 2 अगेंस्ट स्पेन के सामने मैचेस खेले, और उन्होंने 4 में से 2 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे, नहीं स्पेन के सामने वो दोनों मैचेस हार गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कैसे अगर दोस्तों इनकी बात करूँ, चाइना के अगेंस्ट बात करूँ, तो एक मैच उन्होंने जीता है और एक मैच उन्होंने दोस्तों लॉस किया है, अभी आपके दोस्तों स्क्रीन के सामने सारे स्टैट्स आ रहे होंगे। तो इतनी कोई दिक्कत मतलब ऐसी कोई खतरनाक टीम है भी नहीं यार, अर्जेंटीना के सामने नेदरलैंड के सामने ये गाइस 1 साइड हार गए थे, तो ऐसी कोई ऐसे डरने वाली इतनी टीम है नहीं, हमको आराम से हरा सकते हैं। बट क्या होता है ना, जब हम इंडिया की टीम के बारे में कॉन्फिडेंस होते हैं ना कि भाई इनको हरा देंगे उसी समय दोस्तों इंडियन टीम अच्छा खेलते नहीं है, तो मैं ज्यादा जिंक्स नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर दोस्तों जो अपना अर्जेंटीना के सामने हमने फॉर्म दिखाया है, अगर हम दोस्तों उसी फॉर्म के साथ खेलेंगे ना, तो दोस्तों मैच जीत जाएंगे। बट है ना, इतने से ज्यादा मैं चाहूंगा कि इंडियन टीम थोड़ा ट्राइज करे, बिकॉज अपना 10 दिन के बाद 1 जुलाई से अपना वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि जो अपना जो अपने ड्रैग फ्लिकिंग है उसमें बहुत सारा लैग है, गुरजीत कौर पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो पूरे वर्ल्ड कप में इसमें, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि और एक तो ड्रैग फ्लिकर को आप ऑफकोर्स यार 2 मैच में कोई ड्रैग फ्लिकर तो नहीं बन जाता है, बट आप कम से कम जो अपनी डीप ग्रेस एका है, जो मतलब है मतलब नॉट दैट गुड बट एक अच्छी, मतलब अगर गुरजीत कौर को अगर मैं बोलूँ गुड, तो अगर मैं अपने डीप ग्रेस एका तो बोलूँगा एक डिसेंट है ड्रैग फ्लिकर है, तो उनको आप मौके दो यार, वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, तो उनको कुछ सारे डायरेक्टली लेने दो, कम से कम अगर मैं बात करूं उनको और जो गुरजीत कौर है उन दोनों को गए मतलब सारे मिलके डायरेक्टली लेने दो, तो बस हमारे लिए आगे के लिए अच्छा हो गया, तो उसे मैं ये चाहूंगा। और जो अपने बहुत सारे प्लेयर जैसे ईशिका हो गई अपनी, और भी बहुत सारे प्लेयर भी मैं नाम भूल रहा हूं, अपने जो अपने बेंच प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा और दोस्तों मौका मिलेगा दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। जो अपने दोस्तों कीपर है, कीपर के थोड़ा जो बिच्छू देवी है उनको थोड़ा मौका मिलेगा दोस्तों, अच्छा होगा, बिकॉज वो भी अभी अगर सविता को मैं चाहता हूँ नहीं उसको इंजुरी हो जाए, पर अगर बाई चांस अगर कैसे सविता को इंजुरी हो गई तो उसको थोड़ा अगर एक मैच का भी अगर उसको मिल जाएगा ना गेम टाइम 2-3 हफ्ते खेलने मिल जाएंगे तो भी कैसे हमारे लिए अच्छा हो गया यार। तो दोस्तों यही मैच जो चाहता हूँ यार, अगर मैं अपने प्रेडिक्शन की दोस्तों बात करूँ, तो अगर इंडिया दोस्तों जैसा अर्जेंटीना के सामने खेला था वैसे अगर इंडिया खेलेगा दोस्तों, तो इंडिया उसे आराम से दोनों मैच जीत जाएंगे। एक आधा मैच में दिक्कत आ सकती है, पर मेरे ख्याल से दोस्तों जितना मैंने देखा है पहले हम दोनों मैचेस जीत जाएंगे यार। मुझे थोड़ा अंदर ही अंदर लग रहा है कि एक मैच में कुछ ऐसा हो सकता है कि एक मैच हम पेनल्टी शूटआउट में जाके हार जाए फिर जीत जाए, पर एक आधा मैच तो हम 1 साइड जीतेंगे और एक मैच हम गए अपना पेनल्टी शूटआउट में जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो यार गाइस यही अपना दोस्तों था यार, और अभी हम हारे जीते कोई मैटर करता नहीं, बिकॉज हम गए थर्ड पे ही रहने वाले हैं, मतलब थर्ड या फोर्थ पे ही रहने वाले, तो इसे मेरे ख्याल से कोई इतना मैटर करता नहीं है, थोड़ी रैंकिंग हमारी ऊपर नीचे जाएगी, बट मेरे ख्याल से इसको हमको जो वर्ल्ड कप के लिए और ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम जीतेंगे थोड़ा मोमेंटम मिलेगा वर्ल्ड कप के खेलने के लिए, और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगे, 2 मैच हमारे इस वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो यार दोस्तों आज के दोस्तों इतना रखते हैं, आपके दोस्तों क्या थॉट्स है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया टीम जीतेगी क्या जीतेगी दोस्तों, आपके क्या प्रेडिक्शन है प्लीज दोस्तों मुझे बता देना यार। और आपको ये मैच होगा तो इसका दोस्तों हम अपना वॉच अलोंग भी करेंगे, तो वॉच अलोंग के लिए दोस्तों आ जाना 8 बजे मैच है, तो मैं 7:50 को आ जाऊंगा वॉच अलोंग के लिए, तो हम साथ में मैचेस देख लेंगे। तो बस गाइस आज के इतना रखते हैं, अगर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, तब के भाई साहब पीस आउट।